हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने एलिलिक जीन इंट्रैक्शन देख चुका है, ठीक है ना। एलिलिक जीन इंट्रैक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, ये पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ते हैं नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। क्या होता है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन? देखो, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि एक ही जीन के दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो तो एलिलिक जीन इंटरेक्शन। यहां पर एक ही जीन के दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, यहां पर अलग अलग जीन के बीच में इंटरेक्शन, अलग अलग जीन के एलील्स के बीच में इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन एलिलिक जीन, नॉन एलिलिक जीन। ओके, ये एक दूसरे के एलील नहीं है। देखो, फर्स्ट जीन और ये सेकेंड, फर्स्ट एलील एंड सेकेंड एलील, फर्स्ट जीन या सेकेंड जीन, दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों एलील है क्या एक दूसरे के? नहीं, ये एलील नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि अलग अलग जीन पे हैं, ठीक है ना। इनके बीच में कैसे इंटरेक्शन हो सकता है, कैसी अन्योन्य क्रिया हो सकती है, ध्यान देना। यहां पर मान के चलो कि फर्स्ट जीन है, फर्स्ट जीन वो प्रभाव डालता है, किस पर प्रभाव डालेगा, जीन नंबर टू पर, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जीन नंबर टू है वो फर्स्ट के इफेक्ट पर प्रभाव डाले, ठीक है। तो ऐसे इंटरेक्शन को हम कहते हैं नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है ना, नॉन एलिलिक जीन अन्योन्य क्रिया, समझे मेरी बात। ये दो टाइप का हो सकता है, फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट का समझते हो क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ मुझे नहीं पता, वो खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आप लोग को। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि साथ में कुछ अलग चीज होना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं मैं कि कोई कार्य है, कोई काम है जिसको करना है, ठीक है ना, कोई वर्क है जिसको परफॉर्म करना है। ए उस वर्क को नहीं कर सकता, इस वर्क को कंप्लीटली नहीं कर सकता। ए कब ये काम कर पाएगा? जब बी भी इसके साथ उपस्थित होगा। ए अकेला उस काम को नहीं कर सकता, होगा ही नहीं ए से पूरा पूरा। जब तक बी उसके साथ नहीं होगा तब तक पूरा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसको जीन के संदर्भ में बता देता हूँ मैं। देखो, यदि एक जीन है या फिर एलील है, एक जीन का एलील है सी जो कलर बनाने का काम करता है, ठीक है ना। कलर, फाइनल कलर कौन सा है? मान लो कि फाइनल कलर है पर्पल कलर, पर्पल कलर का फ्लावर बनाना है,
एक जीन है, एलील है सी, ये पर्पल कलर नहीं बना पा रहे हैं। इसके साथ में एक जीन है और एक जीन और है, वो है पी पी, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, अब ये दोनों मिलकर इस कलर को बना पा रहे हैं। बताओ सी अकेला बना पा रहा है क्या? नहीं, सी अकेला नहीं बना पा रहा। कलर बनाने के लिए पी की मौजूदगी जरूरी है, ठीक। सी अकेला कलर नहीं बना पाता, पी जरूरी है उसके साथ में, तभी पूरा पूरा कलर बनता है। तो इस पी जीन को, दिस पी जीन इज कॉल्ड सप्लीमेंटरी जीन, सॉरी कॉम्प्लीमेंटरी जीन। कॉम्प्लीमेंटरी जीन ऐसा जीन है जो जरूरी होता है किसी दूसरे जीन को या दूसरे एलील को काम करने के लिए, क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, लेथाइरस ओडोरेटस, यह है स्वीट पी, मीठा मटर, ठीक है ना। लेथाइरस ओडोरेटस इज स्वीट पी, मीठा मटर। ध्यान देना, ये जंगली मटर भी है। इसमें क्या होता है, पर्पल कलर के फ्लावर बनते हैं, ठीक है ना, एंड व्हाइट कलर के भी फ्लावर बनते हैं। दो टाइप के फ्लावर होते हैं। सी जब, इसके लिए जीन है, जीन फॉर कलर, सी कलर के लिए जीन सी है। वो पर्पल कलर तभी बनाएगी जब इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री जीन पी हो, ठीक है ना। जब दोनों जीन होंगे तो पर्पल कलर आता है। यदि पी प्रेजेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इज पी, यदि कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो सी कुछ काम नहीं कर पाएगा, क्लियर। देखो एक्चुअली होता क्या है, जो जीन सी है वो एक प्रिकर्सर बनाती है, मतलब पर्पल कलर का जो प्रोटीन है या जो जो कुछ भी है पिगमेंट है, उसका पूर्व पदार्थ बनाती है, प्रिकर्सर बनाती है। जो कलर लाने वाली है वो है क्रोमाजेन, क्रोमाजेन ये आगे चल के कलर बनाएगी, मतलब ये क्रोमाजेन क्या है, प्रीकर्सर या पूर्व पदार्थ बनाती, ठीक है ना। दिस क्रोमाजेन इज प्रीकर्सर, इसका कोई कलर नहीं है, ठीक है। अब इस क्रोमाजेन पर कार्य करता है जीन पी, पी काम करता है। जब जीन पी काम करेगा तो ये जो प्रीकर्सर है, ये प्रीकर्सर चेंज हो जाएगा एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन में चेंज हो जाएगा। एंथो का मतलब फ्लावर, साइनिन का मतलब पर्पल कलर देने वाला। ये जो एंथोसाइनिन है ये पर्पल कलर का है, दिस एंथोसाइनिन इज अ पर्पल कलर, क्लियर। चल ये जो एंथोसाइनिन है ये पर्पल कलर का, समझे मेरी बात। तो सिर्फ जीन सी होगा तो बोलो पर्पल कलर आएगा क्या? नहीं, सिर्फ क्रोमाजेन बनेगा। लेकिन सी के साथ साथ अगर जीन पी भी होगा तो पर्पल कलर आएगा, क्लियर है। ये दोनों डोमिनेंट है, सी भी डोमिनेंट है और पी भी डोमिनेंट है। तो चलो इसकी जनरेशन बना लो, जनरेशन बनाना है इसका। देखो क्या
कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, ये कैसा प्लांट होगा? क्रोमाजेन भी बना है, साथ में एंथोसाइनिन भी बन गया, पी भी प्रेजेंट है मतलब एंथोसाइनिन भी बन गया, तो इसका फ्लावर कैसा होगा? पर्पल फ्लावर, ठीक है ना। इसका क्रॉस करा दो वाइट फ्लावर से, स्मॉल सी स्मॉल पी, इसके फ्लावर हैं वाइट या फिर बोल सकते हो कलरलेस, ठीक है ना। इन दोनों का जब क्रॉस कराओगे तो एफ वन जनरेशन कैसा बनेगा? कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। इसका कलर कैसा होगा? देखो कैपिटल सी है, डोमिनेंट जीन है, तो क्रोमाजेन बनेगा। कैपिटल पी भी है तो वो एंथोसाइनिन भी बनेगा, तो सारे फ्लावर्स बनेंगे पर्पल कलर के। समझ गए मेरी बात? सारे फ्लावर्स पर्पल कलर के बनेंगे, क्लियर। F2 जनरेशन बता दो कैसा होगा। अच्छा, इसके गैमेट्स कितने टाइप के बनेंगे वो सब आपको पता है। कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। टोटल चार प्रकार के गैमिट्स बनेंगे, चार मेल गैमिट्स, चार प्रकार के फीमेल गैमिट्स, टोटल जायगोट्स 4 × 4 = 16, ऐसे होगा। तो F2 जनरेशन में ध्यान देना, F2 जनरेशन में कैसा कैसा जीनोटाइप बनेगा। F2 जनरेशन में, चलो मैं चेकर बोर्ड ही बना देता हूँ, F2 जनरेशन में फिलअप कर लो, क्या होगा? कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। ये है मेल गैमिट। फीमेल गैमिट्स कैसे होंगे? ऐसी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है ना। तो इनके जाइगोट्स कैसे होंगे? कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी। स्मॉल पी कैपिटल पी, मेरा मन नहीं है भरने का, आप लोग भर लेना। इसके जीनोटाइप्स कैसे कैसे बनेंगे? कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी, ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल पी। और कैसा जीनोटाइप बनेगा? स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल पी। ये सबसे लास्ट में इसको बनाना है, ठीक है। और कैसा हो सकता है जीनोटाइप? स्मॉल सी 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने जीनोटाइप्स बनेंगे? 3 raised to the power 2, 3 3 is 9, 9 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 और बनेंगे। कौन कौन से बनने वाले हैं? कौन कौन से जीनोटाइप बनने वाले हैं?
कैपिटल सी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल पी, ये बनेगा 2, 4, 6, 7। आठवां और एक छूट रहा है, क्या बन छूट रहा है, हाँ क्या छूट रहा है आठवां, चलो जो भी होगा, स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। इतना लंबा चौड़ा पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो कैपिटल सी है, ये इसका जीनोटाइप का रेशियो कितना होगा, रेशियो कितना होगा कैपिटल सी कैपिटल पी। देखो कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1/4 1/4 होता है, मतलब ये कितना होगा 1/16। ठीक, कैपिटल सी स्मॉल सी होता है हाफ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्स टू जनरेशन में हाफ होता है, तो 1/2 इंटू ये कैपिटल पी 1/4, 1/2 इंटू 1/4 1/8, ये हो गए 1/8। ये कितना होगा हाफ और हाफ 1/4, ये हाफ और ये 1/4 1/8, ये कितना होगा 1/16, ये कितना होगा 1/8, ये कितना होगा बता दो, ये कितना होगा 1/16। कैपिटल सी 1/4 और स्मॉल पी 1/4 चांस है, ये कितना होगा, ये भी 1/16। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1:2:4:2:1:2:1:2, यहाँ पे और कुछ जीनोटाइप होता और ये 1, ये इसका जीनोटाइप। मैं फिनोटाइप की बात करता हूँ, फिनोटाइप क्या होगा बता दो, फिनोटाइप क्या हो सकता है, फिनोटाइप हो सकता है पर्पल, ठीक है ना, या तो पर्पल होगा या तो वाइट होगा, दो ही टाइप के फिनोटाइप होंगे। पर्पल कौन कौन होंगे, जिनके पास कैपिटल सी कैपिटल पी दोनों है, ठीक है ना, जिनके पास स्मॉल सी कैपिटल पी, ये भी पर्पल होंगे। चलो ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगा, जीनोटाइप से फिनोटाइप निकालने में, एक बिल्कुल सीधा सा सवाल है, कितने पर्पल होंगे, ठीक है, कितने पर्पल होंगे और वाइट कितने होंगे, ध्यान देना। पर्पल मतलब उनके पास कोई ना कोई कैपिटल सी भी है और कैपिटल बी भी है, कैपिटल पी भी है, तो कैपिटल सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का चांस होता है 3:1, 3/4 चांस होता है, या तो कैपिटल सी या कैपिटल सी स्मॉल सी, ये चीज, तो ये 3:1 मतलब 3/4 होता है कैपिटल सी या फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, ये 3/4 होते हैं। अब इनके साथ पी होना ज़रूरी है, तो पी कितना हो सकता है इनके साथ, कैपिटल पी भी हो सकता है, कैपिटल पी स्मॉल पी, कुछ भी हो सकता है। इन कंडीशन में कलर पर्पल होगा, तो 3/4 हुआ कैपिटल सी स्मॉल सी का पोर्शन 3/4, उसका भी 3/4 कैपिटल पी और कैपिटल पी स्मॉल पी 3/4 होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पता है, तो 3/4 × 3/4 टोटल कितने हैं 16 जायगोट्स, तो बता दो कितने होंगे पर्पल कलर वाले 9, तो बचे कितने 7, तो 9:7, समझना इस चीज को, क्लियर है। यह है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ऐसा जीन जो किसी दूसरे जीन
को काम करने के लिए जरूरी है। किसी दूसरे जीन का इफेक्ट तभी आता है, किसी दूसरे जीन का प्रभाव तभी आता है जब कॉम्प्लीमेंट्री जीन उपस्थित हो, प्रेजेंट, डोमिनेंट फैशन। क्लियर? एग्जाम्पल लेथायरस ओडोरेटस या और स्वीट पी। क्लियर है? ये था नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन का दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ मैं, वो है एपिस्टेसिस। एपी का मतलब ऊपर, स्टेसिस मतलब बैठना, ठीक है ना? मतलब ये ऊपर बैठना, एपिस्टेसिस। इसका मतलब ये है कि एक जीन है जो दूसरे पर प्रभावी है, एक जीन का जो एलील है वो, ये जो एक जीन का एलील है वह दूसरे जीन के एलील्स पर प्रभावी है। समझे मेरी बात? एक जीन का एलील है, चाहे वो डोमिनेंट हो, मतलब ये डोमिनेंट एलील है, रिसेसिव तो काम करते ही नहीं है। यदि दो जीन है, मान लो, देखो दो जीन है, ये एलील है क्या? नहीं, ये नॉन एलिलिक जीन, ठीक है ना? मान के चलो ये जीन ए है और ये जीन बी है, ठीक। बी ऐसा जीन है, ऐसा पावरफुल जीन है, यदि ये डोमिनेंट फैशन में प्रेजेंट है तो ये ए के प्रभाव को ख़त्म कर देगा, और प्रभाव किसका आएगा? बी का। समझे मेरी बात? मतलब यदि कोई जीन डोमिनेंट फैशन में प्रेजेंट है तो वो किसी दूसरे जीन के प्रभाव को नष्ट कर देता है, किसी दूसरे जीन के प्रभाव को छुपा देता है, ठीक। तो जो जो पावरफुल जीन है उस जीन को हम कहते हैं एपिस्टेटिक जीन, और जो जिस जीन का प्रभाव खत्म हो गया, जिस जीन का प्रभाव प्रदर्शित नहीं हो रहा है, उस जीन को हम कहते हैं हाइपोस्टेटिक जीन। तो एपिस्टेसिस का मतलब किसी पावरफुल जीन के द्वारा किसी कम पावरफुल जीन के प्रभाव को दबा देना, नष्ट कर देना, और पावरफुल जीन के प्रभाव को प्रदर्शित करना एपिस्टेसिस कहलाता है, ठीक है ना? डोमिनेंट फैशन में प्रेजेंट है तो अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, बी का प्रभाव प्रदर्शित हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसका एग्जांपल देखो, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल, गर्मी के दिनों में जो खीरा खाते हैं, एक पीले कलर का खीरा आता है जिसको फूट खीरा बोलते हैं, ठीक है ना? या फिर समर स्क्वाश, समर स्क्वाश ये कुकरबिटा पेपो, काफ़ी बड़ा बड़ा खीरा होता है, पीले रंग का भी होता है और हरे रंग का भी होता है, ठीक है ना? उस खीरे की बात बता दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल समर स्क्वाश, ठीक है ना? या फिर ये कुकुरबिटा पेपो भी बोला जाता है, या फिर फूट खीरा, बड़ा बड़ा होता है, येलो कलर का, ग्रीन कलर का भी होता है, ठीक है ना? देखो इस खीरे की बात बता रहा हूँ मैं, इसमें जीन होता है वाई जीन। वाई जीन इस खीरे को कलर प्रोवाइड करता है येलो कलर, ठीक है ना? यदि ये जीन रिसेसिव फैशन में हो, ठीक है, ये डोमिनेंट हो तो येलो कलर आता है, अगर ये रिसेसिव फैशन में हो तो इसका कलर होता है, खीरे का कलर होता है ग्रीन, ठीक है ना? देखो
खीरे में कलर के लिए कौन सा जीन है? वाई जीन, येलो कलर प्रोवाइड करता है, रिसेसिव फॉर्म में ग्रीन कलर। एक दूसरा जीन है जो है डब्ल्यू, ठीक है ना, जो है डब्ल्यू। ये जो डब्ल्यू जीन है डोमिनेंट फैशन में प्रेजेंट है यहाँ पर, डोमिनेंट फैशन में। यदि ये डोमिनेंट फैशन में प्रेजेंट है तो ये डब्ल्यू जीन येलो के कलर को डिस्ट्रॉय कर देता है, येलो को हाइपोस्टेसिस कर देता है, हाइपोस्टेसिस उसके प्रभाव को दबा देता है। ये डब्ल्यू खुद एपिस्टेसिस जीन है, एपिस्टेटिक जीन है, एपिस्टेसिस शो करता है, इसीलिए फ्रूट का कलर व्हाइट होगा। समझना मेरी बात यहाँ पर, येलो वाई जीन है, येलो कलर के लिए जिम्मेदार है और वो हाइपोस्टेटिक जीन है। डब्ल्यू है व्हाइट कलर के लिए जिम्मेदार है, वो एपिस्टेटिक जीन है। यदि डब्ल्यू और वाई दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, डब्ल्यू तो एपिस्टेटिक है, ज़्यादा पावरफुल जीन है, ठीक है, तो डब्ल्यू का कलर आएगा। यदि डब्ल्यू प्रेजेंट नहीं है या डब्ल्यू रिसेसिव फॉर्म में है तभी वाई अपना काम कर पाएगा, नहीं तो वाई अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो देखो इधर, मैं कह रहा हूं कि ये येलो फ्रूट वाला खीरा है, ठीक, येलो फ्रूट वाला, नहीं, अगर मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो हम एक डोमिनेंट को लेते हैं और दूसरे सारे रिसेसिव को, ठीक है ना। पेरेंट हैं, एक पूरा पूरा डोमिनेंट लेते हैं, दूसरा पूरा पूरा रिसेसिव लेते हैं। चलो डोमिनेंट ले लेते हैं, डोमिनेंट ले लेते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इसके साथ डब्ल्यू जीन भी डोमिनेंट, ठीक। ये पेरेंट नंबर वन, बताओ ये पेरेंट कैसा होगा? दोनों के लिए डोमिनेंट है, ये वाई येलो कलर के लिए लेकिन डब्ल्यू वाइट कलर के लिए। बताओ एपिस्टेटिक जीन कौन है यहाँ? डब्ल्यू है ना, मैं तो बोला हूँ अभी कि डब्ल्यू एपिस्टेटिक जीन है और हाइपोस्टेटिक जीन वाई। यदि डब्ल्यू प्रेजेंट है तो वाई का कोई मतलब ही नहीं है, वाई का प्रभाव दब जाता है। बताओ इसमें खीरे का कलर कैसा होगा? डब्ल्यू इज फॉर वाइट कलर, समझे, वाइट कलर। इसका क्रॉस करा दो रिसेसिव से, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। बताओ डब्ल्यू यहाँ काम करेगा क्या? एपिस्टेटिक जीन काम करेगा क्या? नहीं, रिसेसिव फॉर्म में है। वाई काम करेगा क्या? नहीं, वो भी रिसेसिव फॉर्म में है। डब्ल्यू का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि डब्ल्यू एपिस्टेटिक जीन तब होता जब वो कैपिटल डब्ल्यू होता, यहाँ तो स्मॉल डब्ल्यू है मतलब रिसेसिव फॉर्म में है, डब्ल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। येलो कलर आएगा क्या? नहीं, स्मॉल वाई से कलर आता है ग्रीन फ्रूट वाला, क्लियर। इनका F1 जनरेशन क्या होगा बता दो? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। बता दो मेरे को क्या कलर होगा इसका? देखो एपिस्टेटिक जीन डब्ल्यू प्रेजेंट है, डब्ल्यू इज प्रेजेंट, एपिस्टेटिक जीन डब्ल्यू प्रेजेंट है। जब डब्ल्यू प्रेजेंट है एपिस्टेटिक जीन तो इसका कलर कैसा होगा? वाइट। क्यों? डब्ल्यू एपिस्टेटिक जीन है भाई, यदि ये प्रेजेंट है तो वाई के प्रभाव को दबा दिया, येलो कलर हो ही नहीं सकता, ठीक है। डब्ल्यू प्रेजेंट है तो इसका कलर वाइट होगा। F2 जनरेशन की बात कर लो, F2 जनरेशन की बात करोगे तो F2 जनरेशन का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
और क्या होगा? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई और कैसा जीनोटाइप होगा? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई और जीनोटाइप कैसा हो सकता है? और जीनोटाइप कैसा हो सकता है? कैपिटल सॉरी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई और कैसा हो सकता है? स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई कैपिटल वाई ऐसा हो सकता है? और क्या हो सकता है? स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई और क्या हो सकता है? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई 2, 4, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे भाई 10 हो गया, कहीं पे डबल हुआ है। चलो कोई बात नहीं, डबल हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे छोड़ो ना, देखो ध्यान दो, जो चेकर बोर्ड बनाओगे या जैसा भी एग्ज़ाम में, पूरा चेकर बोर्ड का क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, एग्ज़ाम में पूछ देगा बताओ इसका जीनोटाइपिक रेशियो कितना है। 64 में से या 16 में से कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना होगा? तो कैपिटल डब्ल्यू मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का परसेंटेज होता है 1 बाई 2 और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी होता है 1/2। कितने का हमको पता करना है? 16 का। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई होगा 4, 16 में से 4। क्लियर है? तो ऐसे आपको याद रखना है। चलो आपसे क्वेश्चन ये है कि डब्ल्यू एपिस्टेटिक जीन है, W इज एपिस्टेटिक जीन, वो Y को हाइपोस्टेसाइज कर देती है, वो Y के प्रभाव को पूरी तरह से दबा देती है। ठीक है, बताओ इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर कैसा होगा बता दो। कैपिटल Y देखो, कैपिटल W प्रेजेंट है इसलिए इसका कलर वाइट होगा भाई। कैपिटल डब्ल्यू एपिस्टेटिक जीन, ओके। इसका कलर भी वाइट होगा, इसका कलर भी वाइट होगा, इसका कलर भी वाइट होगा, इसका कलर भी वाइट होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू जीन प्रेजेंट है, इसका भी कलर वाइट होगा। इसका कलर कैसा होगा बता दो। यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कैपिटल वाई प्रेजेंट है यहाँ, कैपिटल वाई, इसीलिए इसका कलर होगा येलो, इसका कलर होगा येलो, इसका कलर होगा वाइट। इसका कलर क्या होगा बता दो। जहां पर दोनों जीन रिसेसिव फॉर्म में ही, दोनों के एलील्स, हाइपोस्टेटिक जीन के भी एलील और एपिस्टेटिक जीन के भी एलील, दोनों के एलील्स रिसेसिव फॉर्म में हैं, इसका कलर क्या होगा? यहां पर एपिस्टेटिक जीन का कोई काम ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो रिसेसिव फॉर्म में है। कैपिटल वाई होता यहाँ तो कलर येलो आता, यहाँ पर स्मॉल वाई है इसीलिए कलर होगा ग्रीन। समझे मेरी बात? तो बताओ एफ टू जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा? फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा? फिनोटाइपिक रेशियो देखो इधर, फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है, चेकर बोर्ड में से निकालोगे तो बहुत दिक्कत होगा, जीनोटाइप से निकालोगे फिनोटाइप तो भी लेट लगेगा। डायरेक्ट फिनोटाइप पर ध्यान दो, शॉर्ट सिंपल। मैं कह रहा हूं कि फिनोटाइप हम ऐसे निकालते हैं, कितने होंगे वाइट,
कितने होंगे येलो और कितने होंगे ग्रीन, ये पता करना है अपने। तो व्हाइट कौन होगा, जिसके पास कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट होगा। तो 16 जाइगोट्स हैं, इसमें से कितने के पास कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर होता, चार होता, तो चार में से तीन के पास कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट होता, या तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, थ्री और स्मॉल डब्ल्यू का रेशियो वन ही होता है। क्लियर, मतलब 16 में से, इन पूरे 16 में से 3/4 के पास, सॉरी हाँ नहीं सही है बिल्कुल, कैपिटल डब्ल्यू वन होता है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू टू होता है, और स्मॉल डब्ल्यू वन होता है, मतलब 3:1 हुआ, ठीक है ना। तो 3/4 के पास, इन 16 में से 3/4 के पास कैपिटल डब्ल्यू जीन है, या तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये 3/4 होते हैं। क्लियर है, तो कितना होगा, 12 प्लांट्स, 12 खीरे के पौधे ऐसे होंगे जिनमें सफ़ेद फल बनेगा। क्लियर, येलो किसके कौन से बनेंगे, जिनके पास स्मॉल डब्ल्यू है ना, स्मॉल डब्ल्यू, इसके साथ साथ या तो कैपिटल वाई होगा या कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वही तो येलो बनेंगे। स्मॉल वाई वाला येलो बनेगा का नहीं, नहीं बनेगा। तो स्मॉल डब्ल्यू का चांस कितना है भाई, 1/4 है, 3/4 तो कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का था, 1/4 चांस है स्मॉल डब्ल्यू का, उसका भी, इस 1/4 का भी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का चांस है इसका भी 3/4, टोटल का, टोटल कितना 16 में से बताना है, तो कितने होंगे स्मॉल येलो कलर वाले, 3 होंगे, समझे मेरी बात। ग्रीन कलर वाले कितने होंगे भाई, ग्रीन कलर किन का आएगा, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई, ठीक है ना, स्मॉल डब्ल्यू का चांस होता है 1/4, स्मॉल वाई का चांस होता है 1/4, कितने में से, 16 में से, तो कितना हुआ 1। तो ध्यान देना, फिनोटाइपिक रेशियो 12:3:1 होगा। क्लियर, ये था डोमिनेंट एपिस्टेसिस। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है एपिस्टेसिस, कभी कभार मतलब आता है, भले तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैंने नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन दो बता चुके, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड डोमिनेंट एपिस्टेसिस। क्लियर, तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन, वो है सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन, इसी को हम रिसेसिव एपिस्टेसिस भी कहते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री जीन को हिंदी में कहते हैं पूरक जीन। सप्लीमेंट्री का एग्जाम देते हैं ना, पूरक का परीक्षा देते हैं, वही है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कुछ नया इफेक्ट आता है, एक जीन काम कर रही है लेकिन वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, उसमें और कुछ जोड़ दो तो एक नया इफेक्ट आ जाता है, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री इफेक्ट। मतलब सप्लीमेंट्री जीन का मतलब ये है कि एक जो जीन है, वन जीन affects the effect of other gene, एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को चेंज कर देती है, एक जीन है
वो दूसरे जीन के प्रभाव को चेंज कर देती हैं, ठीक है ना। मतलब प्रभाव चेंज कर देती है मतलब इसका क्या समझते हैं, पहले जीन का कोई और प्रभाव था, लेकिन जब से उसमें सप्लीमेंट्री जीन आ गई उस जीन का प्रभाव कुछ अलग हो गया, अलग लक्षण आने लगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो मैं पढ़ाया हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये था कि एक जीन काम नहीं कर रही थी बिना दूसरे जीन के, तो वो कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है ना। जैसे खाना खा रहे हैं तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट चखना होना चाहिए, ठीक है। वैसी कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब था एक जीन तब तक काम नहीं करेगी जब तक दूसरा जीन नहीं होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन हुआ। अब यहाँ पर बात ऐसा है सप्लीमेंट्री जीन में कि एक जीन काम कर रही है अपना, यदि उसके साथ दूसरा जीन भी आ गया तो उसका जो कैरेक्टर है, पहले जो जीन काम कर रही थी उसका लक्षण, उसमें थोड़ा अंतर आ जाएगा, उसका लक्षण चेंज हो जाएगा। तो जो जीन आया है लक्षण को चेंज करने, लक्षण को मॉडिफाई करने, लक्षण में परिवर्तन करने जो जीन आया है, उस जीन को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन। ये जीन जो दूसरे के प्रभाव को चेंज कर दे रही है, दूसरे जीन के प्रभाव को, इस जीन को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन या पूरक जीन, ठीक है ना। चलो इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, इसका उदाहरण बता देता हूँ। कोट कलर इन माइस, चूहे में कोट का कलर, उसके चूहे का रंग, उसके बाल चमड़ी का रंग, ठीक है। ध्यान देना, एक जीन सी है, सी जीन, कैपिटल या स्मॉल दोनों का अलग अलग मतलब, कैपिटल डोमिनेंट है, सी रिसेसिव होगा। सी जीन है ये ब्लैक कोट बनाती है, ठीक है ना, चूहे का काला रंग बनाती है, ब्लैक कोट, काले रंग के चूहे बनते हैं, ठीक है ना। यदि ये जीन रिसेसिव फॉर्म में है तो ब्लैक कलर बनेगा क्या? नहीं, ब्लैक पिगमेंट्स नहीं बनेंगे, तो जो चूहा बनेगा वो सफ़ेद जैसा बनेगा, मतलब उसमें ब्लैक पिगमेंट है ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे एल्बिनो माइस, एल्बिनो कोट ऑफ माइस, एल्बिनो बनेगा। एल्बिनो का मतलब उसमें पिगमेंट नहीं है, जैसे किसी किसी आदमी का स्किन पूरा सफ़ेद होता है ना, वो एल्बिनो, वैसे ही चूहा भी एल्बिनो बनता है। एक जीन है, जीन ए, जो सप्लीमेंट्री जीन है, सप्लीमेंट्री जीन, ठीक, सप्लीमेंट्री जीन। यदि ये जीन उपस्थित है, यदि ये जीन उपस्थित है सी के साथ, इफ प्रेजेंट विथ सी, यदि सी के साथ ये उपस्थित है तो कलर आता है अगोटी, अगोटी कलर आता है। अगोटी कलर थोड़ा अलग टाइप का कलर होता है, मतलब बताऊँ कैसा होता है, जैसे गिलहरी का पीठ होता है उसमें लाइनिंग्स होते हैं, वैसे ही कलर आ जाता है इसमें, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री जीन कौन है यहाँ पर? ए, जो अपना काम कर रही है, एक्चुअल काम कर रही है कलर का, वो जीन है सी, ठीक है ना। यदि एक्चुअल काम करने वाले सी जीन के साथ में कोई सप्लीमेंट्री आ गया, ले भाई मेरे को भी साथ में ले ले, तो उस साथ वाला जीन जो ए आया है उसको सप्लीमेंट्री पूरक जीन कहते हैं, वो कुछ दूसरा लक्षण पुराने आया है, ठीक है ना, दूसरा लक्षण का सप्लाई करने आया है, दूसरे लक्षण को देने आया है, अपने को ऐड करने आया है ए जीन, इसलिए यहाँ पर ए जीन को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री जीन, ओके, ठीक है। इसका इनहेरिटेंस देखो, इसका इनहेरिटेंस ब्लैक कलर का माइस है और ये एल्बिनो माइस है। ध्यान देना, इधर
ब्लैक कलर का माइस कब बनेगा, ब्लैक कलर कब बनेगा, जब इसके पास सी जीन हो, तभी तो ब्लैक कलर बनेगा, ठीक है ना। बताओ इसके पास कैपिटल ए होगा क्या? भाई कैपिटल ए सप्लीमेंट्री जीन है, अगर वो रहेगा साथ में तो ब्लैक कलर नहीं बनेगा, अगोटी कलर बनेगा, अगोटी कलर, ठीक है ना। ध्यान देना, जो ए जीन है वो सप्लीमेंट्री जीन है, किसका सप्लीमेंट्री है, सी का, और किसी दूसरे जीन का सप्लीमेंट्री नहीं है, सी का है। यदि सी के साथ ए प्रेजेंट है तब अगोटी कलर आएगा, यदि सी के साथ ए प्रेजेंट नहीं है तो ब्लैक कलर आए, ठीक है ना। तो ब्लैक कलर कब है, जब सी के साथ ए जीन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ए का रिसेसिव फॉर्म, क्लियर। एल्बिनो से क्रॉस कराएंगे, एल्बिनो कब होगा, जब इसके पास ब्लैक कलर का जीन नहीं होगा, ब्लैक कलर के एलील नहीं होंगे, सी रिसेसिव फॉर्म में होगा, ठीक है ना, एल्बिनो आएगा। और ये है कैपिटल ए, कैपिटल ए एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, किसका सप्लीमेंट्री जीन है, किसका सप्लीमेंट्री है, ये कैपिटल सी का। जब कैपिटल सी के साथ कैपिटल ए होगा तो अगोटी कलर आएगा, क्लियर। देखो जब इनका क्रॉस कराओगे तो एफ वन जनरेशन में मिलेगा अपने को कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए। ध्यान देना, यहाँ पर ब्लैक कलर का जीन के साथ साथ सप्लीमेंट्री जीन भी है, कैपिटल ए भी है। जब सप्लीमेंट्री जीन भी है तो काले कलर के चूहे के पीठ पर सफ़ेद कलर की धारियां नज़र आएंगी, तो इसको हम कहते हैं अगोटी कलर, अगोटी कलर का चूहा बनेगा। अगोटी कलर क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल सी के साथ उसका सप्लीमेंट्री जीन कैपिटल ए भी प्रेजेंट, क्लियर, अगोटी कलर बन गया। एफ टू जनरेशन में क्या होगा, एफ टू जनरेशन में कुछ जीनोटाइप्स बता दो, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, और क्या चेंज करूं, कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल ए, और क्या चेंज करूं, स्मॉल सी कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, और क्या, स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल ए। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 जीनोटाइप एफ टू जनरेशन, ओके, टोटल 9 जीनोटाइप्स। अब बता दो इन जीनोटाइप्स का रेशियो क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। मेरे को ये बताओ इसका जीनोटाइप कितना परसेंट होगा, या आउट ऑफ 16 कितना होगा। एफ टू जनरेशन में कैपिटल सी स्मॉल सी होने का चांस 1/2, उसके साथ साथ उसमें से भी कैपिटल ए होने का चांस 1/4, कितना हो गया 1/8। तो 16 का 1/8 अगर रेशियो गिनो 16 में से तो 2 होता है, क्लियर। देखो फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा, ये कैसा होगा बता दो, ये इसका फिनोटाइप कैसा होगा। कैपिटल सी ब्लैक है, कैपिटल सी का सप्लीमेंट्री जीन ए भी है, ठीक है ना, तो ए अपना काम करेगा कैपिटल सी पर, जरूर करेगा कैपिटल सी पर ए अपना काम करेगा, तो इसका होगा अगोटी कलर। यहाँ भी दोनों हैं, ये भी होगा अगोटी कलर। यहाँ पर ध्यान दो कैपिटल ए नहीं है, सिर्फ कैपिटल सी है, तो बताओ सप्लीमेंट्री जीन है क्या, नहीं। तो जब सप्लीमेंट्री जीन नहीं है तो जो कलर का जीन है उसका प्रभाव चेंज करने वाला जीन है क्या, नहीं, प्रभाव चेंज करने वाला सप्लीमेंट्री जीन नहीं है, तो किसका कलर आएगा,
मेन जीन है सी, उसका कलर आएगा, चूहा होगा ब्लैक, ठीक है ना। ये कैसा होगा, अगोटी, अगोटी होगा। ये कैसा होगा, ये भी अगोटी होगा, ये होगा ब्लैक, क्योंकि इसके पास सप्लीमेंट्री जीन नहीं है, डोमिनेंट सी है, ब्लैक कलर बनाएगा। ये कैसा बनेगा बताओ, देखो इसके पास सप्लीमेंट्री जीन है, सप्लीमेंट्री जीन है, लेकिन इसके पास कलर का जीन नहीं है। अरे भाई जब कलर का जीन है ही नहीं, कलर का जीन है ही नहीं, तो कोई कलर बनेगा क्या? नहीं, तो इसका कलर होगा एल्बिनो, समझे। इसका कलर कैसा होगा, एल्बिनो। इसका कलर कैसा होगा बता दो, एल्बिनो, समझे मेरी बात, क्लियर। अब मेरे को ये बताओ कि इस 16 में से, 16 जाइगोट्स में से कितने एल्बिनो बनेंगे, कितने एल्बिनो बनेंगे, कितने ब्लैक बनेंगे और कितने अगोटी बनेंगे, इसका फिनोटाइप का रेशियो बता दो। फिनोटाइपिक रेशियो कैसे बताना है आपको, कितने ब्लैक बनेंगे, कितने अगोटी बनेंगे और कितने एल्बिनो बनेंगे, रेशियो बताओ। रेशियो याद करते हैं, याद नहीं करना चाहिए, रेशियो को समझना चाहिए, उसको डिराइव करना चाहिए। देखो ब्लैक कौन बनेगा, कौन बनेगा ब्लैक, जिसके पास सी जीन है, ठीक है ना, चाहे वो होमोजाइगस हो या हेटरोजाइगस हो, ब्लैक बनेगा, ठीक है। ये बताओ इनका परसेंटेज कितना होता है एफ टू जनरेशन में, 3/4, क्लियर है। ब्लैक कब बनेगा, जब इनके पास एक भी सप्लीमेंट्री जीन नहीं है, मतलब इनके पास एक भी सप्लीमेंट्री जीन नहीं है, स्मॉल ए स्मॉल ए, तभी ये ब्लैक बनेंगे, नहीं तो ब्लैक नहीं बनेंगे। अगर कैपिटल ए आ गया सप्लीमेंट्री जीन, तो कलर को अगोटी बना देगा, ठीक है। तो स्मॉल ए का कितना पोर्शन होता है, किसी भी सैंपल में स्मॉल ए का पोर्शन होता है 1/4, तो इसका भी 1/4, क्लियर है। तो कितने बनेंगे टोटल 16 में से, 3, टोटल 16 में से 3 होंगे ब्लैक, समझे मेरी बात। अगोटी कौन बनेगा, जिनके पास सी जीन है वही अगोटी बनेंगे, बाकी कोई अगोटी नहीं बनेगा। अगोटी मतलब ब्लैक कलर में सफेद सफेद धारियां, ब्लैक कलर में कॉम्प्लीमेंट्री जीन। इनका परसेंटेज कितना होगा, 3/4, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन होना चाहिए तभी अगोटी कलर आएगा। तो इनका परसेंटेज कितना होगा बता दो, कैपिटल ए स्मॉल ए, 3/4 टोटल 16 में से, तो ये होंगे 9, क्लियर है। एल्बिनो कितने होंगे बता दो, एल्बिनो कौन बनेगा, जिसके पास कैपिटल सी नहीं है भाई, जिसके पास कैपिटल सी है ही नहीं, वो एल्बिनो बनेंगे, मतलब जिनके पास स्मॉल सी है, जिनके पास स्मॉल सी है सिर्फ वही एल्बिनो बनेंगे, ठीक है ना। चाहे इनके पास, अच्छा स्मॉल सी का पोर्शन होता है 1/4, ठीक है, इसके साथ कैपिटल ए भी हो सकता है, सप्लीमेंट्री जीन प्रेजेंट हो सकता है, बट कोई काम नहीं करेगा सप्लीमेंट्री जीन यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल सी है ही नहीं। कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, क्लियर है, और स्मॉल ए भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में, मतलब पूरा का पूरा, चाहे कुछ भी हो स्मॉल सी के साथ, चाहे कैपिटल ए कैपिटल ए हो, चाहे कैपिटल ए स्मॉल ए हो, या फिर स्मॉल ए, कोई भी, मतलब पूरा का पूरा जितने भी 16 जाइगोट्स होंगे, इन 16 जाइगोट्स में से
सारे के सारे इस कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए में कवर अप हो जाते हैं। मतलब इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है स्मॉल सी से। तो एल्बिनो कितने मिलेंगे अपने को, चार मिलेंगे, टोटल एल्बिनो फोर। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो हुआ 3:9:4। देखो टोटल 16 हुआ, 4, 3, 7 और 9, 16, टोटल 16। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, क्लियर। चलो मैं आप लोग को पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस भी बता देता हूँ। ये देखो नॉन एलिलिक जीन इनहेरिटेंस हो गया, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी बता दिया मैं, एपिस्टेसिस भी बता दिया और सप्लीमेंट्री जीन भी बता दिया। यहाँ पर जो भी एलिल्स के बीच में इंटरेक्शन हुआ, एक ही जीन के थे क्या ये? नहीं, अलग अलग जीन के थे, इसलिए ये नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। मेंडलिज्म को फॉलो किए क्या? नहीं, मेंडल तो एक ही जीन के एलिल्स की बात करता था, इसलिए नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन है, ये भी मेंडलिज्म को फॉलो नहीं करते, नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस के एग्जांपल। ओके चल, मैं अब बात करना चाहता हूँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी वंशागति, इससे पहले मैं प्लियोट्रॉपिक जीन बता चुका था। प्लियोट्रॉपिक जीन का मतलब होता है जीन एक है और इसके द्वारा लक्षण अनेक है, ठीक है ना। सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स, ऐसे जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। एग्जांपल सीड कोट कलर ऑफ, सीड कोट कलर के लिए जीन थी पी में, मटर में, ओके वो प्लियोट्रॉपिक जीन। सिकल सेल एनीमिया की जीन, ये प्लियोट्रॉपिक जीन थे, एक ही जीन कई कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे थे। अब ध्यान देना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, एक समय पर एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं अपन, एक ही लक्षण को ध्यान में रख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए स्किन कलर, त्वचा का रंग, ठीक है, स्किन कलर। स्किन के कलर को डिसाइड करने के लिए, स्किन का कलर बनाने के लिए हमारे बॉडी में एक ही जीन नहीं है, हमारे बॉडी में स्किन कलर बनाने के लिए 3 जीन, 3 जीन्स, 3 जीन है, वो एक कैरेक्टर को प्रदर्शित कर रहे हैं स्किन कलर को, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं स्किन कलर को। जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज़्यादा जीन जिम्मेदार होते हैं तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जांपल 3 जीन्स हैं, मान लो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, मतलब ए जीन बी जीन और सी जीन, 3 जीन हैं, ये सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, वो है स्किन कलर। मल्टीपल जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम कहते हैं ये सिंगल कैरेक्टर है लेकिन 3 जीन जिम्मेदार है, ऐसे इनहेरिटेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके चल, अब ध्यान देना, सुनो मेरी बात, किसी का जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी भी हो सकता है किसी का जीनोटाइप ऐसा, ठीक, जिसमें टोटल कितने एलील हैं बता दो, यहाँ पर टोटल कितने डोमिनेंट एलील हैं,
टोटल डोमिनेंट एलील यहाँ पर कितने हैं? सिक्स, सिक्स डोमिनेंट एलील हैं। जब छः के छः डोमिनेंट हैं तो कितने एलील्स काम कर रहे हैं स्किन का कलर मिलेनिन बनाने के लिए? छः जीन कार्य कर रहे हैं फॉर मिलेनिन फॉर्मेशन। तो मिलेनिन कितना बनेगा? छः मिलेनिन बन गया मान लो। यदि कोई आदमी तीनों जीन के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है तो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा मिलेनिन बनेगा। मान लो कि कोई आदमी है जिसके पास सिर्फ पांच ही एलील्स डोमिनेंट है, पांच एलील डोमिनेंट हैं, तो इसके बॉडी में थोड़ा कम मेलेनिन बनेगा। किसी आदमी में सिर्फ चार ही डोमिनेंट एलील हैं तो उस आदमी में मेलेनिन का पिगमेंट थोड़ा और कम बनेगा। किसी में सिर्फ तीन ही डोमिनेंट एलील हैं तो उसमें और कम मेलेनिन बनेगा। किसी में सिर्फ दो ही डोमिनेंट एलील हैं तो उसमें और भी कम मेलेनिन बनेगा, ठीक है ना? देखो और कम मेलेनिन बना। कोई आदमी ऐसा होगा जिसमें सिर्फ एक ही डोमिनेंट एलील हो तो उसमें मेलेनिन और कम बनेगा। कोई आदमी ऐसा होगा जिसके पास एक भी डोमिनेंट एलील ना हो, एक भी डोमिनेंट एलील ना हो तो इसमें मेलेनिन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो बता टोटल कितने टाइप के आदमी हो सकते हैं, स्किन का कलर कितने टाइप का हो सकता है? छः के छः डोमिनेंट, छः डोमिनेंट, छः डोमिनेंट, पांच डोमिनेंट, चार डोमिनेंट, तीन डोमिनेंट, दो डोमिनेंट, एक डोमिनेंट और एक भी डोमिनेंट नहीं। टोटल सात कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, टोटल सात। देखो पहला आदमी बहुत काला, दूसरा उससे थोड़ा सा कम काला, उससे तीसरा थोड़ा सा और कम काला, ये चौथा जो आदमी है ये सांवला है, इसको कहते हैं मुलेटो कहते हैं इसको, ठीक है ना? ये पांचवा आदमी है ये हल्का गोरा है, छठवां आदमी तो बहुत गोरा है, और ये जो सातवां आदमी है ये तो पूरा पूरा एल्बिनो बन गया, समझे मेरी बात? तो हो क्या रहा है, देखो स्किन कलर के लिए कितने जीन हैं क्वेश्चन है, स्किन कलर के लिए तीन जीन, ठीक। अब तीन जीन है, एक कैरेक्टर का कंट्रोल करते हैं, तो जब तीन जीन किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारे फिनोटाइप्स बनते हैं, स्पेक्ट्रम बनते हैं, ठीक है ना? कोई डार्क बनेगा, निग्रो, ब्लैक बनेगा, एकदम निग्रो वाला काला बन जाएगा कोई, और कोई एल्बिनो बन जाएगा, कोई मुलेटो बन जाएगा, और बीच में बहुत सारे शेड्स वाले आदमी बनते हैं, ठीक है ना? कोई ब्राउन कलर का बनेगा, कोई ब्राउन बनेगा डार्क ब्राउन, कोई लाइट ब्राउन बनेगा, है ना? इसको बोल सकते हो लाइट ब्राउन, ठीक, और कोई वेरी लाइट ब्राउन बनेगा, और कोई तो एल्बिनो बन जाएगा, पूरा पूरा वाइट कलर का ही आदमी बन जाएगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसमें एक स्पेक्ट्रम बनता है, दिस इज स्पेक्ट्रम। ये देखो कहाँ से कहाँ तक का स्पेक्ट्रम बन रहा है, फुल ब्लैक से लेकर फुल वाइट तक के बीच का स्पेक्ट्रम बन रहा है। क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम कहाँ बनता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में।
ठीक है ना। स्किन कलर के लिए कितने जीन जिम्मेदार हैं? तीन जीन जिम्मेदार। स्किन कलर कितने टाइप का होता है भाई? स्किन कलर अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट इन जीन्स 7 प्रकार का होता है। समझे मेरी बात? क्लियर। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का फर्स्ट एग्जांपल, स्किन कलर इन ह्यूमन, मानव में स्किन कलर के लिए तीन जीन जिम्मेदार होते हैं और स्पेक्ट्रम बनता है, कितने का स्पेक्ट्रम बनता है? 7 का। कहाँ से कहाँ तक? निग्रो ब्लैक से लेकर एल्बिनो तक। क्लियर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का पहला एग्जांपल स्किन कलर इन ह्यूमन, दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, ये दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ, कर्नल कलर ऑफ व्हीट, गेहूं है उसके कर्नल का कलर, कर्नल जहां तक ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना उसको कहते हैं कर्नल। इसके दो कलर होते हैं, मतलब इसके लिए दो जीन जिम्मेदार होते हैं। टू जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्नल कलर। दो जीन जिम्मेदार होंगे तो बताओ कितने कलर बनेंगे इसके स्पेक्ट्रम में? देखो दो जीन है, मतलब मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पर 4 एलील डोमिनेंट हैं, 3 एलील डोमिनेंट हो सकते हैं, 2 एलील डोमिनेंट हो सकता है, 1 एलील डोमिनेंट हो सकता है और सारे रिसेसिव हो सकते हैं। तो कितने टाइप के कलर बनेंगे गेहूं कर्नल के? 1 2 3 4 5, टोटल 5 टाइप के कलर बनेंगे। क्लियर है। तो दो एग्जांपल मैंने बता दिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के, पहला एग्जांपल स्किन कलर इन ह्यूमन एंड दूसरा एग्जांपल कर्नल कलर ऑफ व्हीट। ठीक है, ये सब पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके।